हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर के ऊपर। 2020 का मॉडल पेपर किस प्रकार का होने वाला है, मैंने कुछ उस पे एक क्वेश्चन को बनाया हुआ है जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो उन क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर में जो होने वाला है एग्जाम, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है कि एसी मोटर में स्रोत संयोजित किया जाता है। इसके पूछने का मतलब ये है कि एसी मोटर जो होते हैं उसमें किस पार्ट में किस जगह पे सप्लाई को दी जाती है। तो हम इसमें बता दें फ्रेंड, इसमें ऑप्शन बी सही है जो कि स्टेटर, स्टेटर में जो कि हम लोग सप्लाई देते हैं, उसमें सप्लाई देने के बाद ही मोटर हमारा रन करने लगता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एसी मोटर में घुड़वन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके पूछने का मतलब ये है कि एसी मोटर में जो घुड़वन गति होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है जो कि फ्रीक्वेंसी व फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती और पोल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसका पूछना है कि एसी मोटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो एसी मोटर ऑप्शन नंबर बी सही है जो कि दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इसके पूछने का मतलब यह है कि जब हम किसी मोटर के स्टेटर में जब सप्लाई देते हैं तो उसमें किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, यहाँ पे घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक होता है। इसके पूछने का मतलब यह है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अगर उत्पन्न करना है हमें, वो अगर पैदा करना है हमें, तो उसके लिए हमें कितने फेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पे हमें 2 फेज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, यहाँ पे 2 फेज की आवश्यकता पड़ती है। कैसे फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ऊपर जो सीलिंग फैन लगा होता है उसमें कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर का काम ये, वो तो सिंगल फेज मोटर होता है, लेकिन उसमें जब कैपेसिटर लगाते हैं तो वो डबल उसी फेज को डबल फेज में कन्वर्ट करके उसके बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसकी वजह से हमारा जो है कि सीलिंग फैन चलता है। इस प्रकार के सिंगल फेज जो मोटर होते हैं उसमें डबल फेज बना करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घुड़वन गति को कौन सी गति कहते हैं। मतलब जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी घुड़वन गति को कौन सी गति कहते हैं, तो उसको सिंक्रोनस गति कहते हैं। ठीक है, जो घूमने वाला गति होता है, घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी घुड़वन गति जो होती है उसके उसको सिंक्रोनस गति कहते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, पी का मतलब पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि रोटर की घुड़वन गति सदैव होती है। रोटर की घुड़वन गति कैसी होती है, तो रोटर की घुड़वन गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, सिंक्रोनस गति से कम होती है। ठीक है फ्रेंड, और अगला क्वेश्चन है, मोटर की स्लिप ज्ञात करने का सूत्र प्रतिशत में होता है। मोटर का जो स्लिप होता है उसको ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर स्क्वायरल केज मोटर की स्लिप प्रतिशत होती है। इसके पूछने का मतलब यह है कि जो स्क्वायरल केज मोटर होते हैं, ज़्यादातर स्क्वायरल केज जो मोटर होते हैं उसके स्लिप का प्रतिशत कितना होता है, जो कि एकदम मानक प्रतिशत है, जो वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, 2 से 5% होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने का सूत्र होता है FR इक्वल टू S इंटू F होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सही है, FR इक्वल टू S इंटू F होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, टार्क किसे कहते हैं। तो टार्क हम जानेंगे कि टार्क होता क्या है, तो टार्क किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लोड पर प्राप्त घुड़वन बल जो होता है उसे हम टार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, लोड पर प्राप्त घुड़वन बल को हम टार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है। इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी टार्क की गणना किसमें की जाती है। डीसी मोटर की तरह की जाती है, एसी मोटर की तरह की जाती है, सिंक्रोनस मोटर की तरह की जाती है, स्टेपर मोटर की तरह की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि
डीसी मोटर की तरह इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है? इंडक्शन मोटर में सबसे कठिन क्या होता है जो कि ज्ञात करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, कठिन क्या होता है? तो यहाँ से नंबर सी सही है, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित रोटर करंट जो कि ज्ञात करने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में टार्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जो इंडक्शन मोटर होते हैं, मोटर्स होते हैं, उसमें टार्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है, रोटर के समांतर में प्रतिरोध लगाया जाता है, दोनों कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्क्वायरल केज मोटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो स्क्वायरल केज मोटर जो होते हैं उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं जो कि स्टेटर और रोटर, दो भाग यही होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, थ्री फेज मोटर के बाइंडिंग के मध्य कोण होता है, मतलब थ्री फेज मोटर का जो बाइंडिंग होता है, हम जानते हैं कि थ्री फेज मोटर के तीन अलग अलग बाइंडिंग होते हैं, तो उनके बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, इसके पूछने का मतलब ये है। तो आप जानते, एक जो गोला होता है उसका 360 डिग्री का कोण होता है, तो उसको तीन भाग में विभाजित करेंगे तो 120 डिग्री होगा, तो ये जो होता है 120 डिग्री का कोण बना होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर छः संयोजक सिरे होते हैं? वो कौन सा मोटर है जिसके टर्मिनल बॉक्स पर छः संयोजक, छह तार जोड़ने के लिए छह टर्मिनल पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर, और दोनों और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज मोटर जो होता है उसमें भी छह संयोजक सिरे होते हैं, मतलब छह टर्मिनल पॉइंट होते हैं, और स्लिप रिंग जो मोटर होता है उसमें भी छह टर्मिनल पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंगल केज रोटर के चालकों को कुछ ऐठा हुआ क्यों बनाया जाता है? जो सिंगल केज रोटर होते हैं, रोटर के आप नाम ने सुना होगा, सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर, तो सिंगल केज रोटर जो होता है उसके अंदर जो छड़े डाले जाती हैं वो ऐठे हुए डाली जाती है, ठीक है, उसको ऐठा हुआ बनाया जाता है, तो वो क्यों बनाया जाता है, इसके पूछने का मतलब ये है। तो चुंबकीय क्षेत्र समान रखने के लिए, टार्क समान रखने के लिए, दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र समान रखने के लिए और टार्क को समान रखने के लिए उसको ऐठा हुआ बनाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डबल केज रोटर की भीतरी परत पर प्रतिरोध वाला धार तांबे की बनाई बनी होती है, तो बाह्य परत किसका बना होता है? इसके पूछने का मतलब ये है कि रोटर के, डबल केज रोटर जो होते हैं उसके अंदर का सिरा, अंदर का प्रतिरोध जो होते हैं तांबे का बना होता है, प्रतिरोध का धातु तांबे का बना होता है, तो बाहरी सिरा किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है तो वो दिया है अधिक प्रतिरोध और पीतल का बना होता है, मतलब बाहरी सिरा जो होता है अधिक प्रतिरोधक होता है, अधिक प्रतिरोध होता है और वो पीतल का बना होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ऐसा ही वीडियो अगर देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, जिससे कि आपके और फ्रेंडों का जो मदद हो सके। और इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर 2020 के हम पूरी तैयारी कराएंगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन को हम 400-500 क्वेश्चन को हल करेंगे और जानेंगे। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर जो थ्योरी का पेपर है उसको हम वीक नहीं जाने देंगे, वो अच्छे तरीके से हम आपको पास कराएंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो पर हमेशा बने रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।